पहले ये बता प्रज्ञा का है? मुझे प्रज्ञा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, मैं बता रहा हूँ। आपकी प्रज्ञा यहाँ से भाग गई है। भाग गई? अकेले? मैं सच बोलूँ बिना किसी की मदद के? जब गई तुम लोगों ने मारा तो नहीं ना उसे? नहीं, हम लोगों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया। सच में भाग गई? बोल। जब हम सब सो रहे थे ना, तो उसने अपना किसी तरीके से हाथ खोल लिया और हम सबको यहां से चकमा देकर भाग गई। हम सब भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो भाग गई? हाँ, भाग गई। मतलब प्रज्ञा अकेले ऐसे भाग गई? वो तो सच में झांसी की रानी निकली। वो यहां से भाग गई तो मुझे मिलने घर ही आ रही होगी। हाँ। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? तो आप यहां क्या कर रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। किया है तूने शेर का शिकार, और शेर का शिकार सिर्फ बब्बर शेर ही कर सकता है सर जी। गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत होशियार बन रहा था ना, हीरो बन रहा था। मुझे मारेगा है? मुझे मारेगा? अब देखता हूं अभिषेक, मेरा तेरी एक एक चोट का बदला लूंगा तुझसे। सर जी, इस मजनू को अब कहां लेकर जाना है? वहीं जहां पे इसकी लैला को बांधा था, वहां पे इसे अगर बांधेंगे तो इसे अपने आप होश आ जाएगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। मुझे मार रहा था? देख कैसा हाथ बरसा खड़ा हुआ है। मेरा गला दबा रहा था? दबा मेरा गला। और इसे कहते हैं अपनी पीठ में तीर लेना। गलती कर दी तूने यहां पर आकर। अब तू आ तो गया लेकिन जाएगा नहीं। तू मुझे खोल तो सही, उसके बाद तुझे देखा था। भाई साहब, अब आप और आपकी जान हमारे कब्जे में है, इससे थोड़ा तमीज और तहजीब से बात करो। और ये तू तड़ाक मुझे पसंद नहीं है, समझ आई? तड़प अभी थोड़ा और तड़प, तू जितना तड़पेगा मुझे उतना मजा आएगा। चलो रे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना प्रज्ञा को रोक पाए ना मुझे रोक पाओगे। और मैं यहां से भागूंगा नहीं, तुम सबको मार कर जाऊंगा।
जाने कैसे उसे सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया। मेरी बात सुन, उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं तनु, उसने मुझे नहीं देखा। मेरे बंदों ने थोड़ा हाथ पैर चलाया मगर अब उसे बांध के रखा हुआ है। क्यों, ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और क्या करता, आरती उतारता उसकी? नहीं नहीं, तुम्हारे हिसाब से मुझे ये करना चाहिए था कि मैं उससे कहता कि मेरे हाथ पैर बांधे, मुझे पीटे अच्छे से, उसके बाद मेरे मुंह से सच उगलवाए, और अगर कसर बाकी रह गई हो तो जान से भी मार दे, है ना? शेर का शिकार अगर नहीं नहीं बनना तो उसका शिकार हमें खुद करना पड़ता है। तनु, रही बात है सभी की, अगर मैंने इसे पकड़ा है तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी फायदा है। अगर वो मेरे मुंह से मेरा सच उगलवा लेता तो तुम्हारा भी सच सबके सामने आ जाता, इसलिए मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो और तुम अपने काम पे ध्यान रखो। तुम प्रज्ञा पे ध्यान रखो कि वो वहां ना आए, और अगर आए तो मुझे सबसे पहले बताओ, या फिर अगर वो फोन भी करे तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करो। रख रहा हूं फोन। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे? प्रज्ञा मिल गई उसे? हाँ, I knew it. He is useless. बोला था ना मैंने तुम्हें। वैसे तुम क्या बोल रही थी, किसने उसे नहीं देखा? किसने तनु? अरे वो क्या, अभी भाई, भाई को क्या हुआ तनु? Tell me. वो किडनैपिंग की जगह पे पहुंच गया और निखिल और उनके आदमियों ने अभी अभी को बांधी है। वो मेरे भाई है, तुम्हारे कुछ लगते नहीं है ना, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Just don't stop me. तेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा? अभी को पकड़े रहने में उसकी जान से ज्यादा मेरी जान को खतरा है। एक तलवार लटकी रहेगी जो कभी भी मेरी गर्दन पे गिर सकती है। कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले कि तलवार मेरा गला काटे। मैं गला तो बाद में कटेगा, पहले ये मेरा खून पी जाएगी। हेलो आलिया। निखिल, यू स्काउंडर, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने की? मैंने तुम्हें कहा था, और कितनी बार मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें बात समझ में नहीं आती ना निखिल। अब भी मौका है, मेरे भाई को वहां से जाने दो। अगर उनको कुछ भी हुआ ना, एक खरोच भी पड़ी ना निखिल, then I'm not gonna leave you this time. बोलती रहोगी या कुछ करोगी भी? What? अले मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी तरह ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। ना ही मैं तनु की तरह बेवकूफ हूँ जो अभी को छोड़ दूंगा। और किसके लिए छोड़ू? इसलिए छोड़ू ताकि वो मुझे मारे पीटे, उसके बाद मेरे मुंह से सच उगलवा के मुझे पुलिस के हवाले करवा दे। मरने का इतना शौक नहीं है मुझे। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं अभी को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मौत को मुंह लगाना निखिल की फितरत नहीं है। मरोगे तो तुम जरूर निखिल, ऐसे नहीं तो वैसे। तुम जैसे लोगों का वैसे भी एंड ऐसे ही लिखा होता है। अभी भी वक्त है, मेरे भाई को वहां से जाने दो, वरना याद रखना, उन्हें एक भी खरोच आई ना निखिल, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं मुझे जान से मारूंगी? हाँ, मुझे जान से मारूंगी। जो करना है करो, तुम्हारे भाई को मैं नहीं छोड़ने वाला, समझ गई? उसकी हिम्मत के सहारे से मैं छोड़ूंगी नहीं तनु। आलिया आलिया, वेट वेट वेट, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। निखिल ने अभी को इसलिए किडनैप किया क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता है। मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ तनु। नहीं आलिया, तुम अपने सेल्फिश रीजन की वजह से वहां पे जा रही हो ताकि निखिल के थ्रू तुम्हारा सच पा लो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।